अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी साइंस सक्सेस बुक टू पेज नंबर 55, एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 7. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू टेम्परेरी हाउसेज. टू टेम्परेरी हाउसेज के आपने नेम मेंशन करनी है इधर. जी, हाउस बोट एंड टेंट, ये हैं टू टेम्परेरी हाउसेज जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज राइट डाउन द नेम्स ऑफ एनी टू परमानेंट हाउसेज. टू परमानेंट हाउसेज के नेम मेंशन करने हैं. मड हाउस एंड ब्रिक एंड कंक्रीट हाउस, इन हाउसेज को हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी वेयर क्लोथ्स, हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं. बिकॉज दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन एंड विंड. बिकॉज जो क्लोथ्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, सेफ रखते हैं हीट से, कोल्ड से, रेन और विंड से. लेट्स डू, आइए करते हैं लुक एट द रूम्स ऑफ अ हाउस. एक हाउस के यहाँ रूम दिए गए हैं. मैच देम विद देयर नेम्स, उनको मैच करें उनके नेम्स के साथ. फर्स्ट नेम है लिविंग रूम. तो डियर स्टूडेंट्स, लिविंग रूम किस लिए होता है? लिविंग रूम एक ऐसा रूम होता है जहाँ हम अपना लेयर टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ हम फारिग बैठते हैं, अपना फ्री टाइम स्पेंड करते हैं. तो यहाँ हम राइट करेंगे नंबर 6 बिकॉज अपना. जी डियर स्टूडेंट, 6 पे है लिविंग रूम. नेक्स्ट है किचन, किस नंबर पे है? तो किचन ये है. किचन वो रूम होता है हमारे हाउस का जहाँ हम कुकिंग करते हैं. तो 4 नंबर पे है किचन. नेक्स्ट बेडरूम, बेडरूम है 2nd नंबर पे. बेडरूम एक ऐसा रूम होता है जहाँ हम रेस्ट करते हैं. नेक्स्ट है स्टडी रूम. स्टडी रूम 3rd पे है, नंबर 3, जहाँ हम स्टडी करते हैं. नेक्स्ट है बाथरूम. बाथरूम हमारा वॉशरूम होता है जो कि 1 पे है. एंड द लास्ट रूम इज डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम 5 पे है. डाइनिंग रूम एक ऐसा रूम होता है जहाँ हम खाना खाते हैं. जी बी पार्ट है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग हाउसेस एंड राइट देयर नेम्स अंडर ईच पिक्चर. हर पिक्चर के नीचे हमने इन हाउसेस का नेम लिखना है. जैसे ये हाउस है तो ये कौन सा हाउस है, इसका हम नेम मेंशन करेंगे. जी स्टूडेंट्स, दिस इज मड हाउस. आप जानते हैं ये एक मड हाउस है जो कि मड और स्ट्रॉ से बना होता है और ये एक परमानेंट हाउस है. जी नेक्स्ट देखें, 2nd पे कौन सा हाउस है? दिस इज हाउस बोट. हाउस बोट एक टेम्परेरी हाउस होता है. नेक्स्ट दिस इज टेंट, ये भी एक टेम्परेरी हाउस होता है, टेंट. एंड दिस हाउस इज कैरावैन. एंड दिस हाउस इज कैरावैन, ये एक ऐसा हाउस है जो कि व्हील्स पे होता है और ये भी एक टेम्परेरी हाउस है.